नमस्कार माड़ी आसुची बात्या अंफन अति रु अति भयंकर रूप धारण करिबा परे आगो को माड़ी चली अंफन जहार प्रभाव में आज आरंभ वर्षा देखिबा ए संपर्कित खबर। बंगोपसागर में माड़ आसुची बात्या अंफन दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में सृष्टि होता बात्या अंफन अति रु अति भीषण बात्यार परिणत होता किलोमीटर पिछा उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिगरे घंटा प्रति 13 किलोमीटर बेगरे आगक बढ़ुची बात्या पारादीप 820 और दीघा 980 किलोमीटर दूर से अच्छी से खेपपुरा 1090 किलोमीटर दूर से अच्छी आसंता 20 तारीख संध्या सुधा पश्चिमबंगर दीघा और बांग्लादेश हाथिया द्वीप मध्य स्थलभाग छुईब सेत बात्यार केन्द्रस्थल में पवन बेग घंटा प्रति 170-180 किलोमीटर थी मझे मझे यह 220 किलोमीटर को छुईब पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग यार प्रभाव में गजपति गंजाम पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा आज वर्षा आरंभ आसंता कालिठु भद्रक बालेश्वर जाजपुर और मयूरभंज जिले में वर्षा हेबो समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी को 20 तारीख पर्यंत समुद्र जिबाकु बारण करा जायछि समय रे 3 मीटर उच्चरे लहरी उठिबार आशंका रहिछि भद्रक चांदीपुर अति निकट रे बात्या आगकु जिबो बात्या प्रभाव में आज संध्यारु दक्षिण ओडिशा रे प्रभाव देखिबाकु मिलिबो 45-55 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो एवं मझिरे मझिरे 65 किलोमीटर बेगरे झटका देबो काली पर्यंत एभली परिस्थिति लागी रहिबो 20 तारीख सकाळ परे जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज जिले में पवन बेग 75-85 किलोमीटर रहिबो एवं स्थल विशेष 95 किलोमीटर बेगरे झटका देबो धीरे धीरे यह बढ़िबो एवं घंटा प्रति 110-120 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो सीधासलख तथ्य ने प्रतिनिधि निरुपमा बेहरा निकट को निरुपमा वर्तमान अंफन स्थिति एवं कौन केमती यार गति रही देखु बंदिता आम कहीपर जे समय जी जी पखी भय से बढ़वे लगी तेज आज हूँ 18 तारीख एवं जो भाई भाव में पूर्वर पाणीपाग विभाग केन्द्र पूर्वानुमान कर आकलन कर 18 तारीख रु आरंभ होत्या अंफन प्रभाव तेज आज प्रथम पर्यायर जदि आम देखा 18 तारीख अपराह पर पापागर मिजाज बदल और दक्षिण ओडार किसी स्थान में आम जब देखा वर्षा आरंभ होता हाल्का पवन दक्षिण ओडिशावासी अनुभव करेंगे जो भाई भाव में गजपति गंजाम मलकानगि कोरापुट एवं अन्य किसी स्थान गुड़िक आम जब कह पखापाखि स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा हेबो एवं अंफान स्थिति जदि आम कह जहाँ लाटेस्ट खबर अपडेट रही आईएमडी भारतीय पाणीपाग विभाग पारादीप 880 किलोमीटर दूर से रही घंटा प्रति 5 किलोमीटर बेगर यह गति करुच्ची एणु निश्चिंत भाव में आम कहीपर जे 18 तारीख कि आज संध्या यार प्रभाव राज्य में आरंभ हो आसंता काली कथा जदि आम कह उपकूल ओडिशा रे सारा उपकूल ओडिशा रे आम जब कह यार प्रभाव धीरे धीरे देखा मिले जो भाई भाव में आज 18 तारीख में दक्षिण ओडिशा येलो वार्निंग दि जाएगी से भाई भाव में 19 तारीख अर्थात आसंता काली पूरा उपकूल ओडिशा रे आम जब कह येलो वार्निंग जारी करा विशेषकर आम जब देखा जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर यही सबू जिला गुड़िक हाई अलर्ट जारी करा कारण यही सबू जिला गुड़िक अधिक प्रभावित हो सांग को खोर्धा कटक पुरी नयागढ़ भली जिला गुड़िक प्रभाव प्रभाव देखा मिले आसंता काली एथसब अंचल गुड़िकल पाणीपाग विभाग तरफ कि हुए तो दिग परिवर्तन करिपारे जो आशंका करा उत्तर उत्तर पश्चिम दिगकु प्रथमे गति करुथिला परवर्ती समय दिग परिवर्तन करी उत्तर उत्तर पूर्व दिगकु गति करी पारे जे आशंका प्रकाश पाइथिला वर्तमान समिति किछि तथ्य मिलुछि कि विभाग तरफरु आकलन करा जाइछि जे 17 तारीख पर्यंत एहा उत्तर उत्तर पश्चिम आड़क गति करिबा परे 18 तारीख रु एहार मोड़ परिवर्तन हेबो एवं उत्तर उत्तर पूर्व दिगकु ही गति करिबो एवं उत्तर उत्तर पूर्व दिगकु गति करिबा जेतेबेले आरंभ करिबो राज्य रे एहार प्रभाव मध्य सेतिकी बढ़िबाकु लागिबो तो एहा निश्चिंत भाबरे स्पष्ट जे प्रथमे उत्तर उत्तर पश्चिम देई अंफान गति करूतला एवं 18 तारीख जदियो वर्तमान सुधा कोनोसी सटीक सूचना एपर्यंत हस्तगत होइनाई
जे बात्या अम्फान तार मोड़ परिवर्तन कर सारिलानी ना मोड़ परिवर्तन करिबो जदि करिबो एहा केते बेले करिबो तेने कोनोसी स्पष्ट सूचना वर्तमान सुधा आसिनाय किंतु कुहा जाइछि जे 18 तारिखरु एहा तार मोड़ परिवर्तन करिबो एवं उत्तर उत्तर पूर्व दि एहा क्रमशः ओडिसा उपकूल हे बांग्लादेश आडे मुहाइबो एवं जो भली भाबरे कुहा जाउछि जे 20 तारिख सकाळे जहा कुहा जाउतला जे दीघा एवं जो दीघा उपकूल को आरंभ करी हातिया मझे मझा मझी स्थलभाग छुईपे आकलन करूँ जो भाई भाव में पूर्वर एसआरसी जे उत्तर उत्तर पूर्व गति कला बेले ओडिशा उपकूल आड़े मोड़ न बदल कौन माने ना तो आम निश्चिंत भाव में सतर्क हो रहा एथपाई विशेषकर जो 12 जिला हाई अलर्ट करकूल ओडिशार समस्त प्रस्तुति सरकारी कलर समस्त प्रस्तुति शेष हो कारण बात्या जो आम कह प्राकृतिक दुर्विपाक मोड़ निश्चित भाव में आम कहीपर ना जे यहाँ केवल सठिक स्थान में जा माड़ हम कारण बर्तमान गतिपथ जितेबाला से मोड़ निजर परिवर्तन कर केड़क जीव से बर्तमान तीक्ष्ण नजर रखी भारतीय पापाग विभाग किंतु कहवा जे आज यार प्रभाव राज्य देखा मिली और अपराह्नर पापागर मिजाज बदल दक्षिण ओडिशा रे वर्षा आरंभ हो काली सकाळु आमे जे देखिबा उपकूल रे मध्य एही बात्या अम्फान रो प्रभाव आमे माने निश्चिंत भाबरे आज संध्या परठारु ही विभिन्न अंचल रे दक्षिण ओडिशा रे विभिन्न अंचल रे वर्षा आरंभ हो गत काली उपकूल ओडिशा रे विभिन्न अंचल रे जो सब जिला को अलर्ट रे रखा जाइछि से सब अंचल रे प्रभाव देखिबा को मिलिबो अम्फान रो बहुत बहुत धन्यवाद निरुपमा सब विशेष आलोचना पई सेपटे बात्या को नहीं बालेश्वर जिला प्रशासन व्यापक प्रस्तुति आज स्थिति देखि समुद्र उपकूल रही लोकों स्थानांतर कराजियो बोली कहिछंती बालेश्वर जिलापाल तोलियाकटा घरे थिबा गर्भवती को चिन्हट कराइथिबा बेले सेमानकु घर बदल में मेडिकल आनिबा व्यवस्था आरंभ हो जाइछि अन्यपटे गतकाली दुईट एनडीआरएफ टीम अतिरिक्त भाव में पहुंचा बेले सेमानकु विभिन्न स्थान को पठाजिबो एथिसो ओड्राफ टीम को मध्य प्रस्तुत कर रखा जाइछि संबलपुर अग्निशम बाहिनीर 15 टीम खूब शीघ्र बालेश्वर में पहुंचे 5 ब्लक 136 पंचायत 2,90,000 अधिक लोकों ऊपर नजर रखी प्रशासन डिटेल रिव्यू ऑल 9 डिपार्टमेंट्स डिटेल रिव्यू ले एंड तहसीलदार बीडीओस आईआईसीएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट समस्त को डाक के डिटेल रिव्यू ले एंड वी हैव आइडेंटिफाइड जो वल्नरेबल एरियाज देन वल्नरेबल पॉपुलेशंस से आइडेंटिफाई देन हाउ टू एक्ट अपॉन इट केमती से डिटेल प्रिपेरेटरी मीटिंग ऑल 9 डिपार्टमेंट्स एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड अधिक आलोचना सीधासलख जा बालेश्वर प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति निकट को सत्यजित वर्तमान संभाव्य बात्या को नहीं बालेश्वर जिला प्रशासन केमिति कौन प्रस्तुति करिछि निश्चित देखु संभाव्य बात्या कथा जो देखा जो भाई भाव में कहु उत्तर ओडिशा अधिक प्रभावित होता भितर बालेश्वर मुख्य रोचे कारण बालेश्वर हूँ दीघा संलग्न जेहतु कहु दीघारु हटिया मध्य बात्या लैंडफल कर तेणु जेहतु बालेश्वर जिलार भोगराई ब्लक हूँ दीघार संलग्न दीघार लगिक रही तेणु निश्चित भाव जिला प्रशासन व्यापक प्रस्तुति आरंभ कर गत काली राति एक बैठक बसला गुरुत्वपूर्ण बैठक जो थे कि कृषि विभाग अधिकारी रही सहित जरूरकालीन अधिकारी रही सहित स्वास्थ्य विभाग जो अधिकारी मैंने रही थे सीडीएमओ रही अतिरिक्त जिलापाल संपूर्ण समस्त रही गोटे आलोचना चलता कि बात्या पर जो डैमेजेस हम से सब कि भाव रिपेयर करा तुरंत रिस्टार्ट करा अर्थात जदि गच्छ बड़ बड़ पड़ा और जब विद्युत तार छिड़ा सेगुड़ी कमी पुनरुद्धार काम हो नेस्कोर जो कर्तृपक्ष अच्छा सह आलोचना करत्या पर परिस्थित जो भाई भाव चाष अनेक नष्ट हो तो कृषि विभाग सह सब विषय आलोचना करो चाषी मैंने अच्छा जो मैंने अमल बर्तमान करते कि शस्य को संग्रहित कर रखे ये दुईट सांगे आप देखु जो गर्भवती महिला मैंने रही गुरुत्व दि जाइए कारण से जिते बात्या समय खर्चा घरे रहा विपदपूर्ण तेणु मेडिकल स्थानातरण करने प्रक्रिया आरंभ कर हस्पिटा आनी रखा और अन्यपटे लोक स्थानातरण जिलापाल सूचना देते कि लोक हो आज स्थित पर आज जो पापाग विभाग सूचना पर एसआरसी सूचना पर विषय में निष्पत्ति दिजा कि लोक स्थानातर निश्चित भाव में होती 586 जो नुआ स्कूल घर और चिन्हट कर सेगुड़ी प्रस्तुत रखा जाए कारण 140 जो बात्याश्रय स्थल 58 जेहतु क्वारेन्टाइन सेन्टर होता तार फुलफिल करने 500 अधिक जो स्कूल घर पक्का घर को चिन्हट कर
ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ରହିବେ ତେଣୁ ଅଧିକ ଘର ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ କହିପାରିବା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଛିଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ବା ଖୋଲା ଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ପବନ ହେବ ସେ ହୋର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରେ ବା କୌଣସି ଲୋକ ଘରେ ପଡ଼ିପାରେ ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଖୋଲା ରାତି ସାରା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ରହିଛି ବା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଛ ପଡ଼ିବ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡ଼ିବ ତାକୁ କିଭଳି ମରାମତି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏଡିଏମ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ହେଲେ କିମ୍ବା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ହେଲେ କେତୋଟି ଟିମ୍ ଏନେଇକି ସଜାଗ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଦୁଇଟି କଟକ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୁଇଟି ଆଡିସନାଲ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର 15 ଟିମ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 15 ଟିମ୍ ଆସିଛି ଯେଥିରେ 135 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଚାନ୍ଦୁପାଲି ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁପାଲି ବା ଧାମରା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନଈ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ଗଛ କାଟିପାରିବ। ସେଭଳି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଟାଉନ୍ରେ ମହଜୁଦ ରଖାହେବ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗୋଟିଏ ଟାଉନ୍ରେ ରହିବେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଭୋଗରାଇ ବାଲିଆପାଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁତୟନ ହେବେ। ଯେହେତୁ ଟାଉନ୍ରେ ଗଛ ପଡ଼ିବ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଛିଡ଼ିବ ଏସବୁ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମହଜୁଦ ରହିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ ବେଶୀ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ରହୁଛି ତେଣୁ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ରହିବ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ସେଭଳି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 5 ବ୍ଲକ୍ ରହୁଛି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ 5 ବ୍ଲକ୍ ରହୁଛି ସେ 5 ବ୍ଲକ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମୁତୟନ ହେବେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଟର ମେସିନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସ୍କାଲାଇଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଟର ବୋଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯୋଦ୍ୱାରା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ଯେକୌଣସି ବାତ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି କୁହାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନ ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 558 ସ୍କୁଲ ଗୃହକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମରା ବ୍ଲକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଧାମରାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସଜାଗ ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ ରହିବୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ସେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ଟିକି ଆମେ ଧାମରା ଏରିଆରେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ସେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ଟାକୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏରିଆରେ ଡେପ୍ଲୟ କରାଯିବ। ଧାମରା ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଅଛି ସେ ଧାମରା ଆଉ ବାସୁଦେବପୁର ଦୁଇଟା ଏରିଆକୁ କଭର କରିବେ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବସେ ପହିଲେ ତ ପିପିଇ ହେ ହମାରା COVID-19 ରିଲେଟେଡ୍ ଔର ବାକି ଯେଉଁ ଅପରେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ପିପିଇସ୍ ଦୋନୋ ହେ ଔର ଯାହା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହେ ତ ହମାରା ଯେଉଁ ଅଗର ବାଇ ଚାନ୍ସ ବାରିଶ ହେ ତ ଉସକେ ଲିଏ ବୋଟ୍ ଔର ଓବିଏମ୍ ହେ ପ୍ଲସ୍ କଟିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହେ କ୍ୟୁକି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପେର ବଗେରା ଯେଉଁ ଗିରେଗା ତୋ ଉସକୋ ମତଲବ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରନେ କେ ଲିଏ କଟିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ହେ ହମାରେ ପାସ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନ ଯୋଗୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଅମ୍ଫନ ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏରସମା, ବାଲିକୁଦା, ପାରାଦେପୀ ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନ ଯୋଗୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
पानीपाको विभाग जो अनुमान पूर्वरु करिछि अम्फन प्रभावरे जिल्लारे आज संध्यारु वर्षा पवन आरंभ होई पारे एवं एथिपई जिल्लार उपकूलवर्ती अंचल एरसमा बालिकुदा पारादीप कुजंग ब्लॉक रे माइक जोगे प्रशासन तरफरु प्रचार करा जाउछि। तळिया अंचलले लोकमाने अधिक सतर्क रहिबाकु निर्देश दिया जाइछि। बात्यार गतिपथ वर्तमान किछि स्पष्ट होई नाही, सेथिपई जिल्लावासी आतंकित न हेबाकु प्रशासन पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। किंतु जगत सिंहपुर जिल्लार जेहेतु बात्या अम्फन प्रभाव पड़ी पारे एवं जिल्लारे आज संध्यारु ही वर्षा पवन संभावना रही, से तळी अंचल जो लोक माने अछंती सेमानंकु सतर्क रहिबाकु प्रशासन निर्देश दे सारिछि। एवं विभिन्न उपकूलवर्ती अंचल जिल्लार एरसमा बालिकुदा पारादीप एवं कुजंग ब्लॉक अंचल रे माइक जोगे प्रचार मध्य करा जाउछि। अधिक आलोचना फोन लाइन अच्छा प्रतिनिधि पिनाकी महांती। पिनाकी, वर्तमान जगत सिंहपुर बासी केते अलर्ट अच्छा बात्या को नहीं, जिला प्रशासन तरफ कौन सब व्यवस्था कर संभाव्य बात्या को नजर रखी? हाँ देखते कि निश्चित भाव जेहेतु बर्तन जो बंगोपसगर जो बात्या अति भयंकर तार रूप नहीं, जगत सिंहपुर जिलावासी निश्चित भाव मनरे भय आशंका रही। कारण पूर्व ठीक गोटे वर्ष पूर्व जदि आम देखा तेल वर्षा पूर्व फनी बात्या और ता पूर्व बुलबुल बात्या जाता उन्नीस महावात्यार मनु किसी लिभन जिलावासी मनु तेरे ये जो बात्या आसूसी से बात्यार जदिव तार रही जो जगह तार लैंडफल कर जदिव से पश्चिमबंग दीघा और पश्चिमबंग भितर तार लैंडफल कर कितु तार प्रभाव में जगत सिंहपुर जिले में व्यापक वर्षा पवन हम बर्तन जहाँ पापाग सूचना मिली। तेणु से दृष्टि जिलावासी संपूर्ण भाव प्रस्तुत अच्छा कहीं पूर्व अनुभव अच्छी और समस्ते जानते जो भाई भाव वर्षा हम वर्षा द्वारा कि पवन हम से कौन क्षय क्षति हम कत परिमाण हम जहाँ जेहेतु आकलन कर जिलावासी निश्चित भाव से बाबद सचेतन होती। अपरपक्ष जी देखिए जिला प्रशासन जो प्रस्तुति कथ कह जगत सिंह जिला प्रशासन पक्ष बर्तमान विशेषकर जो आम तलिया अंचल कथा कहु एरसमा बालिकुदा कुजंग पारादीप पौरांचल ये जो रही तीन टा ब्लॉक और गोटे म्युनिसिपालिटी रही जगह ही आम समुद्र कूल ठारू जो तीन किलोमीटर रेडियस रही जोटा आकलन करशेष प्रभावित हाँपाई ये जो तीन ब्लॉक और गोटे पौरांचल प्राय 56 पंचायत अच्छी जो पंचायत रे कि पाखापाखि 2,60,000 ऊर्ध लोक प्रभावित हे गोटे आकलन कर प्राथमिक गोटे आकलन कर जिला प्रशासन पक्ष तेना जदि आवश्यक पड़े से स्थानांतरित कारण जदि से पापागर पक्ष कि राज्य सरकार पक्ष की सूचना आसे निहाति अधिक वर्षा पवन हम तेनाली सूचना दिखाई स्थानांतरित करें जिले में जी आम कह जो साइक्लोन शेल्टर कथ कह कि जो बात्या आश्रयस्थल कथ कह बर्तमान 42 बात्या आश्रयस्थल बर्तमान जिले में रही जोटा कि संपूर्ण भाव प्रस्तुत अच्छी स्थानांतरित करने अलग पक्का घर जो स्कूल अंगनवाड़ी कथ कह जी 562 स्कूल अंगनवाड़ी घर बर्तन रही तेणु जदि आवश्यक पड़े से निजी कारण बर्तन जिला प्रशासन गोटे कथा हूँ जदि से स्थित न आसे स्थानांतरित करना जीतु करोनार बर्तन महामारी रही गोटे प्रकोप रही तेणु सामाजिक जो व्यवधान रहीबार जो रही गोटे मूल लक्ष्य से आम स्थानांतरित हे लोक से जिनसटा रही तेणु निहाती आवश्यक पड़े स्थानांतरित करतमान जहाँ गोटे निष्पत्ति निला द्वित कथा जी आदि पक्षे देखा ओड्राफ टीम एनडीआरएफ टीम एनडीआरएफ टीम गत दुई दिन है बर्तमान पारादीप आसी पहुंची और ओड्राफ टीम जगत सिंहपुर चारिटी ओड्राफ टीम गोटे पारादीप रही गोटे एरसमा कुजंग और जगत सिंहपुर चारिटी ओड्राफ टीम अच्छा आउ सब जी जो जी पवन हम 120-130 बोली जहाँ आकलन कर पवन हेले निश्चित भाव गच्छ भांग इलेक्ट्रिक खुंट उपड़ी भांग भाव जो क्षयति हम तेणु गच्छ भांगे जो रास्ता गच्छ पड़ा इलेक्ट्रिक खुंट भांग विद्युत सरबराह विच्छिन्न होगा ये सब सब बड़ कथ गुरुत्वपूर्ण कथ बिल्कुल। वर्तमान संभाव्य बात्या को नजर रखी तल अधिक सतर्क रहा जिला प्रशासन निर्देश दे सारी प्रशासन निज तरफ समस्त प्रकार प्रस्तुति कर सारी बात्या को मुकाबला धन्यवाद पिनाकी सविशेष आलोचना। सेपटे बात्या अम्फन मुकाबला केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन पक्ष व्यापक प्रस्तुति करा विभिन्न विभाग अधिकारी सह आलोचना करिछंती जिलापाल। जिलार तटवर्ती अंचल 117 गांव को चिन्हट कर स्वतंत्र दृष्टि दि जाउछि। आवश्यक पड़े तळिया अंचल रहुतिबा 70,000 अधिक लोकंकु स्थानांतर करा जिओ बोली जिलापाल कहिछंती। बात्या मुकाबला केन्द्रापड़ा जिल्लारे 2 एनडीआरएफ टीम गोटे ओड्राफ टीम मुतयन अछंती। सेपरि अग्निशम विभाग को मध्य प्रस्तुत रखा जाइछि। जिल्लारे पर्याप्त सुखिला खाद्य महजूद थिबा जिलापाल समर्थ सूचना देछंती।
अधिक आलोचना पई फोन लाइन न चिंता प्रतिनिधि कैलाश साहू कैलाश वर्तमान केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन केमिति कोन प्रस्तुति करिछि अम्फन रो मुकाबला पई एवं केते संख्या रे वर्तमान ओड्राफ एवं अग्निशम वाहिनी किबा एनडीआरएफ टीम अछंती हां निहाति अबरे सबका केन्द्रापड़ा जो बात्या संभाव्य बात्या को नहीं जिला प्रशासन प्रस्तुति आरंभ कर दु दिन हेलाने कि जदि कहिबा जिला जो रहिछि वरिष्ठ अधिकारी माने विद्यो गंतु सरपंच नै कि घन घन बैठक जारी रहिछि कि भली भाबरे इ जो बात्या रहिछि संभाव्य बात्या को मुकाबला करा जइबो सेति पई मध्य प्रस्तुति करा जाउछि एवं जो रहिछि मुख्यतः भाबरे बात्या आश्रय स्थली गुड रहिछि पाखापाखि 170 कि बात्या आश्रय स्थली को प्रस्तुत कर रखा जाइछि कारण जेतु रहिछि केन्द्रापड़ा जिला समुद्र उपकूलवर्ती अंचल अनेक गां मध्य समुद्र तटवर्ती अंचल रहिछि तेणु करि अधिक सतर्कता अवलंबन करा जाउछि जिला प्रशासन पक्षर कि भली भाबे यात्रा जो बात्यार मुकाबला करा जाई परिबो सेति पई बात्या आश्रय स्थली गुड़ प्रस्तुत करा जाई एवं से माने जो रही बात्या आश्रय तो मुख्य भाव सरपंच एवं विडीओ मानको दायित्व दिया जाई एवं दरकार पड़िले आवश्यक पड़िले पाखापाखि जो रही समुद्र तटवर्ती 170 टी गाँव पाखापाखि 70,000 रु ऊर्ध लोक स्थानांतरित आवश्यक स्थले करा जो रही जिला प्रशासन पक्ष जहां सूचना रही से शुखिला खाद्य और रंधा खाद्य जथेष्ट पानी व्यवस्था जिलापाल निर्देश देती किभली भाव सुचारू रूपे हम और सब जो रही बात्या आश्रय स्थल गुड़िक भाव लाइट र्यवस्था करते स्थानांतर करवश्यक पड़े से भाव में कौन से समस्या न उठो से प्रस्तुत रखा जाती जिला प्रशासन पक्ष सेपटे जदि कह बात्यार मुकबिला करने केन्द्रापड़ा जिला को दुईट एनडीआरएफ टीम आ जो रही गोटे ओड्राफ टीम आ जो ओड्राफ टीम आन भाग विभक्त करोटी टीम गठन करो रही तटवर्ती अंचल महाकलापड़ा और राजनगर रखा जाए गोटे टीम हेडक्वार्टर रखा जाए जो रही जिलार जो अग्निशम विभाग रही सजाग रखा जाए कि भाव में मुकबिला कर संभाव्य बात्या को नहीं बिल्कुल एवं वर्तमान जेहेतु सुरक्षा नहीं कि पूरा तत्पर अच्छा केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन स्थानांतरण प्रक्रिया जिलापालों पर निर्भर करुच्छी कैलाश सिचुएशन देखि कि परिस्थिति देखि स्थानांतरण करेंगे जो मैंने तली अंचल रही कितु जिते बड़े लोक मणबे से शुखिला खाद्यर व्यवस्था हो कि रंधा खाद्य कौन केमी व्यवस्था कर खाद्यर महजूदीकरण कौन केमी कर आवश्यक पड़ो संभाव्य बात्या को लेकिन स्थानातर करने आवश्यक पड़ो जेहेतु समुद्र तटवर्ती पाखापाखि 170 गाँ 17 टी गाँ अच्छी समुद्र कूल में अवस्थित यही गाँ गुड़िकदि कह राजनगर विशेष भाव में जो रही केन्द्रापड़ा जिलार राजनगर और महाकलापड़ा ब्लक अंचल 170 टी गाँ तेणुक जिते बात्या आई अंचल लोक स्थानातर कर गत फनी बेले राजनगर ब्लक पाखापाखि 40,000 ऊर्ध लोक स्थानातर कर बात्या आश्रय स्थल रखा जाए भाव में राज महाकलापड़ा अंचल 25,000 ऊर्ध लोक स्थानातर कर रखा जाता जी कह जेहेतु लोक आवश्यक पड़े बात्यार स्थित को देखी लोक कच्चाघर जो रही समुद्र तटवर्ती अंचल से सुरक्षित कर सुरक्षित रखापी जिलापाल सर्वाधिक गुरुत्व देते से ही रहा समय कि भाव में प्रस्तुति रखा जमी कि भाव में असुविधा न हो से जिलापाल अधिक गुरुत्व देते कि भाव में खाद्य जोगाण जो रही विभाग रही निर्देश देते शुखिला खाद्य जिले में मुकबिला जिला प्रशासन पक्ष व्यापक प्रस्तुति करा एवं आवश्यक स्थले स्थानांतरण लोक जो मैंने तली अंचल रोचे स्थानांतर करवस्था हो जिलापाल सूचना देते जिले में पर्याप्त शुखिला खाद्य महजूद जिलापाल सूचना देते धन्यवाद कैलाश विशेष आलोचना संभाव्य बात्या अम्फन को नहीं आतंकित तो कोणार्क एनएससी 8 नंबर वार्डर नोलिया साही लोके गत वर्ष बात्या फोनी स्थानीय अंचल में व्यापक क्षयति करथिया बेले शह शह डंगा को भांगी नष्ट कर दैथिला मत्स्यजीवी परिवार को अट्टा सळखिया पई मास मास लागि जाइथिया बेले बे पुणी डराइबार लागिछि बात्या अम्फन लोके भयभीत अवस्था थिबा बेले किभळि याकु मुकाबला करिबे से नै चिंता रे अछन्ति कोणार्क नोलिया साही रु एने अधिक सूचना देउछन्ति हम प्रतिनिधि देवाशी सिंह रायन जो पूरी जिला कोणार्क एनएससी 8 नंबर वार्ड नलिया साहि जो वार्डर लोक मैंने प्राय मत्स्यजीवी परिवार अटंती पाखापाखि यदि 1200 रु ऊर्ध परिवार बसवास करती पाखापाखि 15,000 रु ऊर्ध लोक बसवास करती जदि कह जो बात्या फनी पर ये अंचल व्यापक क्षयति होता और बात्या फनी को अति निकटू से देखी जितेबाला संभाव्य बात्या आम्फान आसूँ से लोक मैंने भयभीत अवस्था अच्छा आपड़ सीधा सड़क देखुंट
बर्तमान जिते डा जो समुद्र कूल रही है डंगा को किभ सुरक्षित स्थान को निजीपाई प्रयास आरंभ करी कह समुद्र गति बढ़ुच्च समुद्र जो लहरी बढ़ुच्च से बर्तमान ये डंगा को कूल आणुचर जो जाल रही किभ सुरक्षित स्थान को ने से गोटे प्रकार प्रयास आरंभ कर सीधा सड़क देखुं समुद्र जो गति रही जो लहरी रही सबुद अपेक्षा लहरी में परिवर्तन आसी कूल आस्ते आस्ते खाइबार लगी जेहेतु बात्यार आशंका देखा देखाई से लोक मैंने संपूर्ण रूपे सजग अच्छा जेहेतु बात्या फनी को गत वर्ष तले देखी अंचल व्यापक क्षयति घटी बहुत भयर अच्छे आज्ञा पानी आसला पानी आसिक गवर्नमेंट किसी साहस करें कि लोक पाइला ये 10,000 फैमिली अच्छे ये आउ एना एम्पल आसी तोफान आसी कहतु बहुत लोग बहर अच्छे आम कौन इन मझे करोना आसला ये करोना अवस्था आम लोग जाल गले खाइबार अच्छे ना तो इन उपाय एम गोटे गोटे पाला खाई गोटे पाला बंद होमती चली गवर्नमेंट किसी साहस नहीं बेस व्यय भितर अच्छे बर्तमान रोचे 100% व्यक्ति आसे बिल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर बेस व्ययर अच्छे बर्तमान कौन करोना अनुसार बर्तमान तीन मस पखापाखीगला गवर्नमेंट किसी साहस कर डा फेस 9,066 पकड़ा डंगा रही लोक को न रही लोक केमी बचब से कथा किसी के लोक आलोचन करनी गोटे डंगार 100 जन रोचे ये 9,066 डंगा रही लोक खाईदेला पुणु न आँच जन अच्छे डंगे से लोक केमी बचब से कथा गवर्नमेंट साहय कर बर्तमान पनीर में 50 किलो चावल 3,000 मात्र देला गरा बेंगलोर लोक को मात्र किसी जम सब पड़े लोक कि से 3,000 बाला रही लोक ये 3,000 देला संभाव्य बात्या को लेकिन लोक मैंने आतंकित अवस्था अच्छा जेहेतु फनी बात्या को अति निकट रूप से देखी व्यापक ये अंचल क्षयति करता फनी बात्या से अवस्था को अति निकट रू देखी से समय दृश्य को मनु निभिन बेले पुणी संभाव्य बात्या भयभीत करती यह बात्या को लेकिन आतंकित अवस्था अच्छा पूरी जिला कोणार्क देवाशीष इंग्लैंड न्यूज 18 ओडिया। डराउछि अंपन मुकाबला पाई अंटा भिड़ी सरकार बार जिला को सतर्क करा बेले चारिटी जिला को अधिक विपद आशंका अछि तेणु 11 लाख लोकों स्थानांतर पाई योजना होईछि आसन्न विपद को देखी एबे ग्राउंड रे एनडीआरएफ एवं ओड्राफ टीम दरकार पड़िले प्रभावित अंचल जिबाकु प्रस्तुत होई रहिछन्ती अधिक टीम। अंपन पाई सरकार को युद्धकालीन प्रस्तुति 12 टी जिला रे सतर्कतामूलक पदक्षेप 4 टी जिले में अधिक आलर्ट रही प्रशासन मुकाबला ग्राउंड रे एनडीआरएफ टीम सामुद्रिक झड़ अंफन वर्तमान मॉडल को देखी प्रस्तुति आरंभ कर सरकार 12 टी जिला को आलर्ट करा बेले फोकस रही केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर भद्रक और बालेश्वर जिला परिस्थिति को देखी स्थानांतर प्रक्रिया आरंभ करेंगे जिलापाल प्राय 11 लाख लोकों रहा भाई स्थान प्रस्तुत सरी 806 बात्या आश्रयस्थल प्राय 207 कोविड पाई अस्थायी मेडिकल क्यांप करा बेले अन्य सबू प्रस्तुत रही सेपटे लोकों पर 7,092 अस्थायी क्यांप कर सरकार प्रभावित आशंका जिले में पहुंची सारी एनडीआरएफ और ओडीआरएफ टीम 18 तारीख उपकूल जिले में वर्षा और 19 वर्षा सह पवन बेग बढ़ा 20 तारीख में 75 रु 85 किमी बेग पवन हो पाए तेणु संपूर्ण प्रस्तुत रही जिलापालों सह विभिन्न विभाग वर्तमान समय रे राज्य में अत्यावश्यक सामग्री बहुत परिमाण में महजूद अच्छी तेणु आतंकित हो किणाकिणी न करने को कही स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक और बालेश्वर निश्चिंत भाव में 12 टी जिला भितर यही 4 टी जिला हूँ अधिक प्रबण टी रहा बात्या प्रबण रही आमे कैपासीटी हूँ आम 11 लाख पर्यंत लोक इवाकुएट कर बाय फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म टिके सोशल डिस्टेंसिंग तो रही नेचुरली तेणु आम पाखे आम कैपासीटी अच्छे तेणु केमको इवाकुएसन करवा से प्रकृत आवश्यकता को देखिए करवा नॉट दैट कि आम अजथा लोक मूँ इवाकुएसन कोविड समय अजथा हैरान करोसी उद्देश्य ना सेपटे संभाव्य बात्या मुकाबला अंटा भिड़ी एनडीआरएफ कटक मुंडली स्थित एनडीआरएफ तृतीय बाटालीयन
उपकूलवर्ती अंचलकु जाउछन्ति टीम राज्यर 7टि जिल्लारे मुतयन होइछन्ति 10टि टीम अधिक प्रभावित हेबा आशंका थिबा भद्रक बालेश्वर ओ केन्द्रापडा जिल्लारे 2टि लेखाएं टीम मुतयन करा जाइथिबा बेले पुरी जगतसिंहपुर जाजपुर ओ मयूरभंजरे नियोजित अछन्ति गोटिए लेखाएं टीम बात्या माड़ करिबा पूर्वरु लोकंकु सुरक्षित स्थान रखिबा एवं बात्या जिबा परे क्षतिग्रस्त अंचलरे पुनरुद्धार कार्य करिबे ई जवान से नहीं स्थानीय लोकंकु सचेतन कराउछन्ति जवान सेपटे कोरोना प्रभाव को देखि प्रति जवान को पीपीई किट सहित पर्याप्त सानिटाइजर दिया जाइछ। ओडिशा वी हैव डिप्लॉयड 10 टीम्स इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पुरी जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालासोर एंड मयूरभंज द टीम्स आर ऑलरेडी इन प्लेस एंड दे आर कंडक्टिंग अवेयरनेस ड्राइव और इंप्लीमेंटिंग द प्रिपरेशन ड्राइव्स फॉर द साइक्लोन इटसेल्फ वी आर वॉचिंग द सिचुएशन क्लोजली फ्रॉम द एनडीआरएफ हेडक्वार्टर्स एंड वी आर इन टच विद द स्टेट गवर्नमेंट द आईएमडी एंड ऑल द स्टेक होल्डर एजेंसीज फ्लड और साइक्लोन जहाँ जहाँ इक्विपमेंट दरकार समस्त नहीं जाइंट कटिंग इक्विपमेंट अच्छी आम फ्लड्रे बोट ओबीएम दरकार पड़े सब नहीं जाइंट समस्ते पीपीई नहीं एक्स्ट्रा डबल सेट पीपीई नहीं जाइंट से किसी असुविधा है संभाव्य बात्या नहीं पल्ली ठू दिल्ली जाए सब सतर्क बात्या द्वारा धनजीवन जपरी क्षति न हो कड़बल लगे सरकार भुवनेश्वरु अजेश मल्लिक ओ कटकु नवेश महांति न्यूज 18 ओडिया बुलेटिन समय हो जाइछि नै जिबाक बिरती।